चैप्टर 6 क्लास 12 फिजिक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम सभी एक एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास यहां पर एक कॉइल है और यहां पर भी एक कॉइल है और इस कॉइल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि आपको पता है कि जब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो ये रॉड इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और यहां पर हम इस कॉइल को इसके ऊपर डालकर करंट को पैदा करेंगे। अब देखिए, जैसे हम इस कॉइल को इस कॉइल के ऊपर डालते हैं तो ये फैन रोटेट होने लगता है, साथ ही दो बल्ब ग्लो भी करने लगता है। आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि जैसे हम इसको आगे पीछे करेंगे कॉइल को, तो बल्ब कभी ज्यादा ग्लो करेगा कभी कम ग्लो करेगा, फैन कभी ज्यादा स्पीड रोटेट करेगा और कभी स्लो रोटेट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम ये बल्ब और ये फैन कैसे चला रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करके इस दो बल्ब को जला रहे हैं और फैन को घुमा रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट के थ्रू जब हम करंट डेवलप करते हैं तो उसे कहा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस्ड होना, इलेक्ट्रिक करंट हम बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, यानी कि जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे वेरी करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, और इसी फेनोमेनन को हम कहा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा है वो सिद्धांत रचने वाले कौन थे, तो वो फैराडे थे, जो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट को पैदा कर सकते हैं। और इन्हीं फैराडे लॉ को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।